एक बार फिर प्याज ने आम आदमी की आंखों में आंसू ला दिए हैं। मार्केट में आज प्याज 70 से 80 रुपए किलो बिक रहा है, जिसके कारण लोगों की किचन का बजट दिन ब दिन गड़बड़ाता जा रहा है। इस आसमान छूती हुई कि प्याज की कीमत के पीछे क्या कारण है, बात करते हैं जनता से, पूछते हैं इसका कारण। इसके पीछे यही कारण है कि प्याज पीछे फसल खराब हो चुकी है, नवी फसल इसी महीने आती थी, जो उसके खराब होने के कारण प्याज के दाम उछल रहे हैं। जब नवी फसल आने में 10-15 दिन 20 दिन बचे हैं, उसके बाद प्याज अपनी जगह पे आ जाएगा, वही आम आदमी के रेंज में प्याज पहुंच जाएगा। लेकिन इस वक्त जो प्याज की फसल खराब होने के कारण मार्केट में प्याज का दाम बढ़ा हुआ, अब लेना ही लेना है, मजबूर है, बहुत असर पड़ता है। जो मैंने आज तक कभी भी मूली 5 रुपए से ज़्यादा नहीं ली है, आज 20 से 40। अच्छा, कड़म ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपए होता था किलो, आज कड़म 50 रुपए किलो। प्याज की बात ही नहीं, पता नहीं ये क्या सिलसिला चल रहा है अंदर से, जो इतनी महंगी सब्जी। हालांकि ग्रोवर को इतना नहीं मिलता है, ग्रोवर वही है, मगर बीच वाले ही ये सारा सिस्टम खराब कर देता है। मैं क्या कहना चाहता हूँ बेटा, महंगाई बहुत है, खर्चा बहुत ज़्यादा है, घर का वो चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। ना तो हम बाहर से सब्जी लेते थे, अब इधर पूछ रहे हैं सब्जी का है। प्याज तो बहुत महंगा है, प्याज 50-60 है, आलू ज़्यादा बहुत महंगा है, तो सब्जी इंसान खाए, अगर 1 किलो सब्जी लेते हैं घर में पूरी नहीं होती, ठीक है। ये 80, ये अगर 2 किलो भी लें तो 70-80 ये पड़ जाएगी, ठीक है। 40 रुपये किलो गोभी है, 80 रुपये की हो जाएगी, तो कौन कौन खाएगा, आधा किलो तो इसमें घर निकल आएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा महंगाई होगी बेटा, कि खर्चा करना बहुत मुश्किल हो गया है, घर चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। क्या है हर साल जो पहले जून जुलाई में महंगा होता था, पानी से आने से फसल खराब हो जाती है, पानी आने से फसल खराब हुई थी, इसलिए प्याज के रेट में ज़्यादा हो गया। हर साल ऐसा होता है कि 2-3 महीने अब नया प्याज निकल गया, आज ही आया, ये 60 रुपये किलो बंद पै गया इसका, 70 रुपये किलो इधर बेच रहे हैं। अभी कम से कम 15 दिन के बाद रेट थोड़े बराबर में आ जाएंगे, प्याज कम खरीद रहे हैं, जो 2 किलो लेता था वो आधा किलो पे आ गया, जो किलो लेता था वो पाव पे आ गया। मुश्किल तो हो रही है, लेकिन क्या कर रहा है, काम तो कर रहे हैं। 65 रुपये इस वक्त तो होता था बड़ा काम, अब तो बहुत ज़्यादा है। सब्जियों में कुछ थोड़ा सा फ़र्क हुआ, कुछ डिफरेंट टाइप के जो हैं खाने वाले बच्चे वगैरह, वो तो मैं मटर में देखता हूँ, मटर तो है ही नहीं कहीं, हाँ, पर मैंने पूछा ही जब है ही नहीं कहीं, देखा ही नहीं, ये पूछा किसी से नहीं, ये तो बिजनेसमैन है, वो आपस में करते हैं, तो हमने तो पूछा ही नहीं क्यों हो गया। गरीब के लिए बहुत है, अब क्या करें, जो खाना तो है, ये एसेंशियल चीज़ है, ये नहीं है कि रख लें हम तो बाद में देखेंगे, ये तो उसी वक्त खाना चाहिए। वो कहावत है ना, जिसमें कहते हैं कि गरीब प्याज के साथ भी एक वक्त की रोटी खा लेता है, लेकिन जिस तरह से प्याज की कीमत आसमान छू रही है, लगता नहीं कि गरीब को रोटी प्याज के साथ खानी नसीब होगी। मैं नीतू सिंह, JK News Today, जम्मू।